ऑर्डर्स काढलेले आहेत जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने की सोमवार ते शुक्रवार या दिवसांमध्ये आपल्याला पूर्ण व्यवसाय करता येईल सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 पर्यंत. आणि शनिवार आणि रविवार या दिवसांमध्ये फक्त दूध, किराणा आणि मेडिकल हे वगळता इतर सर्व आस्थापना दुकाने हे बंद राहतील. अब सप्ताह में 5 दिनों तक लगातार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शहर में सभी दुकानें खुली रहेंगी, जिसका एक बड़ा दिलासा व्यापारियों को मिला है. इंडिया अब तक न्यूज पर शुक्रवार को हुई चर्चा में पार्षद कैलाश सोनौने ने यह बताया था कि सत्ताधारी पक्ष जल्द ही सभी व्यापारियों के कोरोना काल के टैक्स माफ करने के लिए आगे आ रहा है. 22-23 मार्च के करीब वो तारीख से वो बंद है और आज से है लगभग सभी दुकानें खुली हो गई है. वैसा आदेश आयुक्त ने निकाला हुआ है. तो बंद के पीरियड से तो आज तक के जो उनका मतलब जो उनकी डिमांड रहेगी जो नियम से है उनको देने का मतलब हमारे पक्ष की तरफ से ऐसा लगभग कि उनकी जो डिमांड है वो पूरी करना चाहिए और जल्द ही ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिसके बाद जलगांव के व्यापारियों के कोरोना वायरस काल के दौरान जारी किया गया किराया, घर पट्टी वगैरह बिल माफ किए जा सकेंगे. इस बारे में जलगांव के व्यापारियों से हमने बातचीत की. आइए सुनाते हैं कि क्या कहना है जलगांव के व्यापारियों का. उन्होंने जो अब तक के माध्यम से जो चर्चा सत्र में शासन और प्रशासन दोनों व्यापारियों के हित में जो निर्णय लेने के हित में है, सबसे पहले शासन प्रशासन और आप तक एक सभी का सेंट्रल फ्लो मार्केट एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद, क्योंकि पिछले 5 महीने से काफ़ी व्यापारी पीड़ित थे और शासन प्रशासन की विपत्ति से जो निर्णय लिया जा रहा है बहुत ही उत्तेजनादायक है, जिससे काफ़ी लोगों को थोड़ा साहस मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के काफ़ी नुकसान हुए और 5 महीने से हमारी दुकानें बंद थी और हमने जो शासन को ले और प्रशासन को जो पत्र दिया है उसकी जो गंभीरता से दखल लिया, इसके लिए हमने सबका धन्यवाद. और ख़ास करके कैलाश अप्पा विरोधी पक्ष नेते पत्रकार तिवारी जी दादा शांताराम दादा, इनका भी धन्यवाद. चर्चा सत्र में जो विषय आया और इनको मार्गी लगाने का जो कॉन्फिडेंस है और जो साहस माननीय अप्पा साहब ने बताया, अप्पा साहब का विशेष रूप से धन्यवाद. आज तकच्या डिबेट मध्ये आम्ही बघितलं की अप्पांनी सुद्धा झाले की आम्ही व्यापाऱ्यांचे टॅक्सेस माफ करू, असं जर घडलं तर आम्ही कैलाश अप्पा सोनवणे आणि अप्पा या दोघांचे आभार मानतो आणि फार मेहरबानी दोघांची की त्यांनी आमच्याकरता इतकं काही केलंय. शासनाने आणि जळगावचे आयुक्त साहेबांनी सोमवार ते शुक्रवार 1 सप्टेंबर पासून आम्हाला दुकान उघडायची जी परमिशन दिली आहे सकाळी 9 ते 7 या वेळामध्ये, त्यामुळे आता आमची आर्थिक स्थिती धीरे धीरे सुधारेल, सुरळीत व्यवसाय चालेल. आता आमचं एवढंच म्हणणं आहे की आमचे जे मागील 5 महिने बंद होते त्याच्याकरता आमचं जे टॅक्सेस आहे ते आम्हाला माफ करण्यात यावे, असं आम्ही माननीय श्री कैलाश अप्पा सोनवणे यांच्या विनंती करतो. मेरा नाम भरत कुमार समदडिया उर्फ बबलू समदडिया. सबसे पहले मैं माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, माननीय आयुक्त महोदय और माननीय उपायुक्त महोदय इनका विशेष आभार देता हूँ क्या उन्होंने हमारी ये जो मांगनी थी सोमवार से शुक्रवार चालू और शनिवार रविवार का लॉकडाउन, ये मांगनी को उन्होंने मान्य करते हुए आज कल उन्होंने दोपहर में ये परिपत्रक जारी किया और सोमवार से 9 से 7 हमको व्यापार करने की खुली छूट दी. इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से आभार मानता हूँ. उसी को मद्देनज़र देखते हुए हमारी व्यापारियों में आपस में चर्चा हुई क्या भाई अपने को 5 महीने तो अभी अपनी दुकानें बंद थी, क्यों ना अपन अपनी मांग प्रशासन से रखे कि भाई हमारा भाड़ा माफ़ होवे, हमारे को जो घरपट्टी लगती है वो माफ़ होवे. हमने वो संदर्भ से पहले ओरली हमने कैलाश अप्पा साहब से हमने चर्चा किया, कैलाश अप्पा साहब उसमें पॉजिटिव थे. हमने आयुक्त साहब से चर्चा किया, आयुक्त साहब भी बोले भाई अगर सभागृह अगर पॉजिटिव है तो मेरे को इस प्रकार का निर्णय लेने में कोई हर्ज नहीं है. फिर हमने वो उन्होंने हमको बोला कि आप हमको निवेदन दो, हम निवेदन के ऊपर हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है उससे हम चर्चा करके हम इसका निर्णय महासभा के रूप में हम लेंगे. उसी प्रकार से फिर हमने हमारा निवेदन टाइप करवा के माननीय आयुक्त साहब, माननीय महापौर जी और माननीय स्थायी समिति सभापति सुचिता ताई आड़ा को हमने हमारे निवेदन दिए. निवेदन देने के तत्पश्चात मैं विशेष आभार कैलाश अप्पा जी का मानूंगा कि उन्होंने तत्परता से ये निर्णय लिया कि भैया हम आपको आने वाली महासभा के अंदर ये ठहराव मंजूर करवा के हमको गए 5 महीने के लॉकडाउन के पीरियड का हम आपको भाड़ा, घरपट्टी और इतर कर जो आपको जो लगते थे वो हम आपको इसमें से हम रियायत देंगे, हम आपको ये लगने नहीं देंगे करके. मैं वैसे ही आभार आप तक का मानता हूँ कि आप तक ने हमारी बाजू आज से नहीं 2018 से जब से हम आंदोलन में बैठे थे
हमारे दुकानों के रिन्यूअल के बारे में हम जब से आंदोलन में बैठे थे तब से अब तक ने हमारा जो फॉलोअप लिया है और हमारी बाजू जनता के समोर मनपा प्रशासन के समोर और पदाधिकारियों के सामने जो हमारी बाजू ऐसी तत्परता से मांडी है उसके लिए मैं आप तक का और आनंद भाई शर्मा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका सहयोग आपको भविष्य में ऐसे ही मिलता रहे यही मैं अपेक्षा करता हूँ। कैलाशप्पा ने जो रखा है वो बहुत सराहनीय है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि व्यापारी को कुछ न कुछ राहत मिलने की उम्मीद तो भी जागी है और आने वाले दिनों में व्यापारी की परिस्थिति अभी देखो सब सीजन तो सब पूरे हो चुके हैं, हमारे को कोई सीजन हाथ में नहीं आ रहा, दिवाली से लेके ये दिवाली तक अभी कुछ चांस लग नहीं रहा है। स्कूल की सीजन गई, ईद गई, शादी का जो मेन सीजन हमारा रहता वो भी चला गया है, पर अभी हम कैसे चल रहे हैं ये हमें ही मालूम है। उसमें भी इतने सारे खर्चे हैं और इतनी सारी और उसमें भी ऑडी वन का ये प्रॉब्लम अब जाके आज कहीं कुछ सेट हुआ है वो, तो आगे चल के ये लोग जितना सहकार्य दे सकते हैं उसके लिए सबका हम धन्यवाद, खास अप्पा कैलाशप्पा का, नितिन बहू का, और आप हमारी बाजू मान रहे हैं इसके लिए शर्मा जी का और आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत, और ऐसे ही हमारे को सहकार्य मिलता रहे यही अपेक्षा। आप तक न्यूज पे एक डिबिट आया है जिसमें कैलाशप्पा ने व्यापारी के प्रति अच्छी भावना व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा है महानगर पालिका जो टैक्स लगाती है वो व्यापारियों को छूट दी जाए, इससे थोड़ा व्यापारियों को अच्छा सुकून मिलेगा। इसलिए अब तक न्यूज चैनल वालों का और कैलाशप्पा सोनाने का हम आभारी हैं सभी व्यापारी। जलगांव के व्यापारियों के लिए यह तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें कोरोना काल के दौरान टैक्स माफ कर जलगांव मनपा एक बड़ी राहत प्रदान करेगी, लेकिन इसी के साथ जलगांव के लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि जलगांव के प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें घर के टैक्स भी आते हैं उन्हें भी माफ कर दिया जाए, क्योंकि कई लोगों के पास कोरोना काल में किसी भी तरह का काम नहीं था और उनकी आर्थिक परिस्थितियां बद से बदतर हो चुकी है। देखना है कि क्या रेसिडेंशियल जोन में भी इसी तरह से टैक्स माफ किया जा सकेगा। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। शुभ मंगलम सर्व मंगलम नक्षत्र मंगलम अलंकार मंगलम रतनलाल सिंह बाफना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण तीर्थ।